महादेव गोविंद रनाडे का जीवन परिचय अर्थात जीवन लीलाओं का वर्णन किया गया है। चलते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं कैसे कैसे इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या संघर्ष, कैसे कैसे संघर्षों को निभाया है। महादेव गोविंद रनाडे का जीवन परिचय। राय बहादुर महादेव गोविंद रनाडे का जन्म 18 जनवरी 1842 को और मृत्यु 16 जनवरी 1901 को हुई, जिन्हें लोकप्रिय रूप से जस्टिक रनाडे के नाम से जाना जाता है। महादेव गोविंद रनाडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग जी आर भंडारकर ने 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। महादेव गोविंद रनाडे को पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। 1871 में रनाडे ने सार्वजनिक समाज की स्थापना की। इन्हें अपनी प्रचंड मेघा शक्ति के कारण महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे है, रनाडे ने स्त्रियों की परमतंत्रता, बाल विवाह, विधवा विवाह का निषेध, सजाती विवाह, स्त्रियों की अपेक्षा और उपेक्षा, विदेशी यात्रा का निषेध का विरोध किया। महादेव गोविंद रनाडे ने शुद्धि आंदोलन को प्रारंभ किया, जिन्हें अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त हुआ। रनाडे ने एक आस्तिक धर्म में आस्था का नामक अनुच्छेद 39 वाली पुस्तक लिखी है। धोंदे कर्वे के सहयोग से रनाडे 1867 में विधवा आश्रम संघ का स्थापना की। भारतीयों में शिक्षा के प्रसार और अज्ञानता के विनाश के उद्देश्य रनाडे ने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के सदस्यों में तिलक, गोखले और अगरकर शामिल थे। रनाडे की जीवन साथी रमाबाई रनाडे थी। आगे है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर स्थित काली मंदिर के पुजारी थे। इन्होंने चिंतन, संन्यास और भक्ति के परंपरागत तरीकों से धार्मिक मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया। भारतीय सभ्यता और संस्कृत में पूर्ण निष्ठा रखने वाले सभी धर्मों को सत्य मानते थे और मूर्ति पूजा में विश्वास करने के साथ साथ सर्वशक्तिमान ईश्वर को प्राप्त करने का एक साधन मानते थे। रामकृष्ण परमहंस ने तांत्रिक, वैष्णव और अद्वैत साधन द्वारा निर्विकल्प समाज की स्थिति प्राप्त की और परमहंस कहलाए। आगे है, रामकृष्ण समाधि में देवी माता काली, कृष्ण, ईसा मसीह तथा बुद्ध के दर्शन की। रामकृष्ण परमहंस मानव की सेवा को ही ईश्वर के रूप में मानते थे। 1866 में रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद स्वामी परमहंस के सबसे प्रिय शिष्य थे। रामकृष्ण की मृत्यु के पश्चात नरेंद्रनाथ ने अपने गुरु के संदेशों को चारों ओर प्रसारित करने की जिम्मेदारी ली। उन्होंने इस कार्य हेतु अपने जीवन को समर्पित कर दिए। संन्यास ग्रहण करने के बाद नरेंद्रनाथ ने अपने समूचे भारतवर्ष का भ्रमण किया और भ्रमण के दौरान मिले अनुभव को व्यक्त करते हुए कहा कि मैं जिस प्रभु में विश्वास करता हूँ वह सभी आत्माओं का समुच्चय है और सर्वोपरि भी है। मेरा प्रभु पतितों, पंडितों और सभी
प्रजातियों में निर्बलों का रक्षक उद्धारक है। आगे है 1839 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म में, सॉरी 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने भारत का नेतृत्व किया। इस सम्मेलन में जाने से पूर्व ही नरेंद्रनाथ का नाम बदलकर महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर स्वामी विवेकानंद रख दिया गया। 11 सितंबर 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में बोलते हुए स्वामी जी ने कहा, जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जल को सागर में लाकर मिला देती है, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर हिंदू धर्म के समान कोई भी धर्म इतने उदात्त रूप से मानव के गरिमा का प्रतिपादन नहीं करता। स्वामी जी के भाषण के बारे में न्यूयॉर्क के हेराल्ड ने लिखा है कि उनको सुनने के बाद हम अनुभव करते हैं कि ऐसे ज्ञान संपन्न देश में अपने धर्म प्रचारक भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। आगे है 1स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मोक्ष संन्यास से नहीं बल्कि मानव मात्र की सेवा से प्राप्त होता है। उनके अनुसार धर्म की चर्चा तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक कि देश में गरीबी और दुखों का निवारण ना हो जाए। स्वामी जी ने कहा कि जब तक देश में लाखों लोग भूखे तथा अज्ञानी हैं, मैं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से शिक्षा ग्रहण की पर उसकी परवाह न करते हैं। स्वामी जी ने कहा कि मैं ऐसे ईश्वर धर्म को नहीं मानता जो विधवों के आंसू पोंछ सके या किसी अनाथ को एक टुकड़ा रोटी ना भी दे सके। वेद कुरान तथा सभी धर्म ग्रंथों को अब कुछ समय के लिए विश्राम करने दें। महिलाओं के बारे में स्वामी जी ने कहा कि 500 समर्पित महिलाओं के साथ मुझे इस देश को सुधारने में 50 वर्ष लगेंगे, लेकिन 50 समर्पित स्त्रियों के सहयोग से मैं यह कार्य कुछ ही वर्षों में संपन्न कर सकता हूँ। आगे है धार्मिक अंधविश्वास के बारे में स्वामी जी ने कहा कि हमारा धर्म रसोई घर में है, हमारा ईश्वर खाना बनाने के बर्तन में है और हमारा धर्म है मुझे तू मत में पवित्र हूँ। यह एक शताब्दी तक यह और चलता रहा तो हम सब पागल खाने में होंगे। स्वामी जी ने कहा कि स्वामी जी के अनुसार अर्थात परमहंस जी के अनुसार हम मानवता को वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ ना वेद है, ना कुरान है और ना ही बाइबिल है। 1897 में अमेरिका प्रवास से वापस आने के बाद स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन का कोलकाता के बेल्लूर और अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थानों पर मुख्यालय खोला गया। रामकृष्ण मिशन में कार्य सन्यासी जनसाधारण के कष्टों के निवारण, रोगियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, अनाथों की देखभाल के माध्यम से सक्रिय समाज की सेवा के प्रति समर्पित थे। आगे है दादा भाई नौरोजी जी। इन्हें भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी भारतीय राजनीति के जनक थे और इन्हें भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता है। एक अंग्रेजी प्राध्यापक ने इन्हें भारत की आशा की संज्ञा दी। 1851 में गुजराती भाषा में रचित राष्ट्र रफ्तार साप्ताहिक निकालना प्रारंभ किया। 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई। अन्यत्र लंदन के विश्वविद्यालय में गुजराती के प्रोफेसर बने दादा भाई नौरोजी। आगे है
दादा भाई का जन्म 4 सितंबर 1825 को मुंबई में एक गरीब पारसी परिवार में हुआ था, फारसी परिवार में हुआ था। पिता के देहांत के बाद इनका परिवार बहुत सी आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। दादा भाई की शादी 11 साल की उम्र में 7 साल की गुलबाई से हो गई थी। उस समय भारत में बाल विवाह का प्रचलन अर्थात चलन था। दादा भाई नरोजी की शुरुआती शिक्षा नेटिव एजुकेशन सोसाइटी स्कूल में हुई थी। इनकी योग्यता ने इन्हें ब्रिटिश के संसद सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बनने के लिए प्रेरित किया, जहां इन्होंने यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के सदस्य के रूप में संसद सदस्य की जिम्मेदारी निभाई गई। वहीं दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी अर्थात प्रारंभ किया। आगे है 1860 के दशक की शुरुआत में दादा भाई नौरोजी ने सक्रिय रूप से भारतीय उत्थान के लिए काम करना शुरू किया था। वह भारतीय में भारत में ब्रिटिश की प्रवासी शासन विधि के सख्त सख्त खिलाफ थे। उन्हें दूसरों के सामने ड्रेन थ्योरी प्रस्तुत की, जिसमें बताया गया था कि ब्रिटिश कैसे भारत का शोषण करते हैं, कैसे कैसे हो योजनाबद्ध तरीकों से भारत के धन और साधनों में कमी ला रहे हैं और देश को गरीब बना रहे हैं। आगे है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद दादा भाई नौरोजी भारत आ गए। भारत आए आ गए 1874 में बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय के संरक्षण में दादा भाई काम करने लगे। यहाँ से उनको सामाजिक जीवन शुरू हुआ उनका सामाजिक जीवन शुरू हुआ और वह महाराजा के दीवान बना दिए गए। इन्होंने 1885 से 88 के बीच में मुंबई के विधान परिषद सदस्य के रूप में भी कार्य किया था, विधान परिषद सदस्य के रूप में कार्य भी किया था। 1886 में दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी 1893 से 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तीसरी बार 1906 में जब दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने थे, तब उन्हें पार्टी में उदारवादियों और चरमपंथियों के बीच एक विभाजन को रोका था, जो आगे है 1996 में दादा भाई नहीं सबके सामने कांग्रेस पार्टी के साथ स्वराज की मांग की थी। और दादा भाई नौरोजी ने 30 जून 1917 को अंतिम सांस ले ली। भारत में प्रति व्यक्ति आय का 20% सॉरी 20 प्रति वर्ष अनुमान लगाने वाले दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे। औपनिवेशिक शासन के दौरान राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी ने की थी। इन्होंने अपनी पुस्तक पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में अपना धन के निकास सिद्धांत, जिसे ट्रेन थ्योरी कहते हैं। नेक्स्ट आगे है दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट या इविल ऑफ ऑल इविल्स इविल्स की संज्ञा प्रदान की है। जय हिंद।